back to our channel. नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये डीवी प्राइमर, जो कि थोड़ा सा मैं लूंगी अपने पोर्स एंड फाइन लाइंस को थोड़ा सा ब्लर आउट करने के लिए. शूट करना है और टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं जल्द से यही मेकअप अप्लाई कर लेती हूँ. कभी कभार तो फाउंडेशन भी नहीं अप्लाई करती. सो फाउंडेशन के लिए मैं ममार्क ले रही हूँ. ये शेड है सैंड ग्लो, एंड इसमें मैं मिक्स करूंगी वन मोर शेड ताकि मेरा शेड जो है वो आ जाए. आई जस्ट लव दिस. ये डैप करने में बड़ी मेहनत लगती है यार, हाथ दुखने लगता है. सो नाउ इट्स डन. फाउंडेशन मैंने लगा लिया है. बट देखिए, जब भी आप कलर करेक्टर नहीं करते हैं और डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, सो व्हाट इट लुक्स लाइक, तो आप मेरे आईज की तरफ देख रहे होंगे और यहाँ माउथ अराउंड देख रहे होंगे. इट विल बिट पिगमेंटेशन योर एंड योर एज वेल. थोड़ा सा ग्रे कलर आपको लगता होगा. इट्स जस्ट बिकॉज मैंने करेक्टर यूज नहीं किया है. तो जब भी आप करेक्टर यूज नहीं करते हैं, सो इस तरह से आपको थोड़ा सा ग्रे इफेक्ट दिखेगा. सो नाउ आई एम टेकिंग मार्स कॉम्पैक्ट. इससे मैं अपना पूरा फाउंडेशन जो है सेट कर लूंगी. और जब भी आप फाउंडेशन के ऊपर पाउडर सेट करें, उसे इस तरह से डैप करके ही सेट करें, और एल्स लाइंस आ सकती है. ये मुझे बहुत देर में समझ में आया, नहीं तो पहले मैं ऐसे ही जैसे पाउडर लगाते हैं वैसे ही मैं अप्लाई कर लेती थी. एंड देन आई यूज टू थिंक कि ये केकी कैसे हो रहा है. सो केकी ने अवॉइड करना है, तो आप इस तरह से डैप करके ही मेकअप करें. स्क्रीन पे आई डोंट नो कैसा दिख रहा है, बट सामने बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस बेस रेडी हुआ है. एंड इसके बाद मैं सिंपली क्या करती हूँ, आईब्रो फिल करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, फटाफट हो गया. तो गाइस, ये आईब्रो मैंने खुद किया है विद द हेल्प ऑफ प्लक. अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो आईब्रोज के लिए जाना पड़ता है, दैट इज वेरी फार फ्रॉम माई होम. सो दिस वे आई फिल माई आईब्रो. की बहुत ग्लैम मेकअप किया है, वाह, बट इट्स नॉट लाइक दैट. जितनी जरूरत होती है फेस को उतना ही करते हैं, और जितना कि कैमरे पे अच्छा दिखे. ये ऐसी मेन चीज क्या है, स्क्रीन पे अच्छा दिखना, और नॉट नेसेसरी कि उसके लिए पूरा फॉलो करो, पूरा स्टेप फॉलो करो, कंसीलर, ब्राउन्जर, देन आपका कंटोर. कंटोर तो मैं कभी नहीं करती, हार्डली कभी करती. मुझे अगर मेकअप ट्यूटोरियल करना हो, लाइक प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना हो, तो ही मैं कंटोर करती हूँ. हो गया हो गया हो गया. थोड़ा बहुत आई शेडो के लिए मैं ये पैलेट ले लेती हूँ. इसमें से ये सब लाइट कलर के शेड्स जो हैं, उसे ही मैं अपने उंगलियों से डैप डैप करके लगा लेती हूँ ऐसे. ये क्विक वाला मेकअप है, क्विक. तो देख रहे हो कितना आसान है मेकअप. आईशैडो हो गया, अब फटाक से आईलाइनर लगा लें. एक्स्ट्रा आपको लगता है कि आईज के नीचे कुछ रह गया हो, गिर गया हो आईशैडो, तो उसे आप इस तरह से स्पॉन्ज से हटा लें. मैं ले रही हूं के ब्यूटी का आईलाइनर, इससे मैं आईलाइनर लगाऊंगी. फाइनली मेरा आईलाइनर हो चुका है, काफी टाइम लिया सो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया. लोअर लैश लाइन पर भी लगाकर आई शेडो कम्प्लीट करूंगी. वैसे मैं ये बहुत स्किप कर देती हूँ. बहुत बार तो मैं लगाती भी नहीं, स्किप हो जाता है, भूल जाती हूँ कि मस्कारा जैसी भी कोई चीज है. यहाँ पे लोग एक्सटेंशन करवाते हैं, विच इज परमानेंट एंड और फॉर 2 to 3 weeks इस तरह से. इसका इफेक्ट
इतना अच्छा है, जस्ट लव के ब्यूटी एंड मार्स ब्लश। तो के ब्यूटी का ब्लश भी बहुत पसंद है मुझे, मार्स का भी बहुत पसंद है, फिलहाल मार्स का यूज कर रही हूँ। आजकल ऐसे सी बनाना है, ऐसे सी बना के यहाँ पे ग्लोस बनाना, फिर ऐसे करना, ये ब्लश टेक्निक बहुत चल रही है। ऐसे सी बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ऐसे सी बनाओ। आई जस्ट डोंट नो क्या इफेक्ट होता है इससे। यस, किसी किसी पे ये बहुत नेचुरल लगता है, अच्छा भी लगता है, बट किसी किसी पे ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ थप्पड़ मार दी हो। क्रीम हाइलाइटर है, बहुत ही नेचुरल फिनिश आता है इसका। और ये है इनसाइड का ड्यू स्टिक। लिपस्टिक में भी मैं ज्यादातर कलर बार की ये वाले लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हूँ वीडियोस के लिए। तो ये कलर बार की जो लिपस्टिक है, इसका शेड है, 007 हॉट लाटे। ये कलर बार की लिक्विड मैट लिपस्टिक है। कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके बताइए जो अपर लिप्स पे लिपस्टिक लगाते हैं एंड देन उसको वापस नीचे ले लेते हैं ऐसे करके। बस इस तरह से हेयर ओपन कर लिया एंड नाउ आई कैन सिट डाउन फॉर यूट्यूब वीडियोस। सो यस, ये है बिहाइंड द सीन ऑफ मेकिंग डूइंग मेकअप फॉर यूट्यूब वीडियोस। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ एट ऑल यस, देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। यस, नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।